फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं और गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनका गूगल का एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस अप्लाई करने के कितने दिन बाद एडसेंस का मेल आता है, चाहे वो अप्रूवल का आए या रिएक्शन का आए। और आपको बताता हूँ मेरे पास कितने गूगल एडसेंस के अकाउंट हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस एडसेंस में मेरी लास्ट अर्निंग हुई है वो आई है 338, इस महीने में जो पेमेंट आने वाला है। लेकिन जो लास्ट पेमेंट मेरा रिलीज हुआ है वो 21 मई को हुआ है, उसका जो पेमेंट है वो $263 का है। और साथ ही मैं आपको ऐसे मल्टीपल एडसेंस अकाउंट को ओपन करके बताता हूँ। दूसरा एडसेंस अकाउंट है वो मेरा ये है, इसमें अभी पिछले महीने का जो डॉलर हुए 19.99 है, इस महीने का अर्निंग हुई है ब्लॉक से वो 18.08 है। ठीक, आपको और भी एडसेंस अकाउंट बताऊंगा। अगर आपके ब्लॉक पर एडसेंस का अप्रूवल नहीं हो रहा है, किस प्रकार लेना है, आप हमें नीचे दी गई इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से हमें मेल मैसेज करें और आपका एडसेंस का अप्रूवल दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा फिक्स नहीं है कि हम दिला सकेंगे, अगर आपका ब्लॉग सही है, गूगल एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने के चांस हैं। ये तीसरा एडसेंस अकाउंट है। चौथा एडसेंस अकाउंट, इस पर अभी अप्रूवल नहीं मिला है, इसके लिए अप्लाई कर दिया गया है, इस पर लिखा हुआ है गेटिंग रेडी। जैसे इसका अप्रूवल मिलता है, हम आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और ये पांचवा अकाउंट है, इस पे भी अप्लाई किए हुए 5 दिन हो गए हैं, क्योंकि अभी गूगल एडसेंस की ये पॉलिसी है कि 15 दिन का टाइम ले रहा है गूगल एडसेंस का अप्रूवल या रिएक्शन का मेल आने में। तो जो भी है, इन दोनों का क्या होगा वो आपको आगे वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं तीन एडसेंस अकाउंट है, तीनों एडसेंस अकाउंट में आपको अर्निंग शो हो रही होगी कितना पेमेंट हम ले रहे हैं एडसेंस से। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।